हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि आप तत्काल टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों, हम बात करते हैं अचानक रेल यात्रा करने का प्लान बनाने पर कई बार टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती तत्काल टिकट बुक करना होता है, क्योंकि पहले ही सभी सीटें रिजर्व हो चुकी होती है। रेल मंत्रालय की तरफ से यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए IRCTC रेल टिकट की सुविधा दी गई है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी से टिकट बुक किया जा सकता है, लेकिन कई बार सीट नहीं मिलने की वजह से तत्काल टिकट मिल नहीं पाती। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनका यूज करके आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंफर्म टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में जाकर लॉगिन कर लें। एक बात जो तत्काल टिकट बुक करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें टाइमिंग का बहुत अहम रोल होता है। सही समय पर टिकट बुक नहीं करने पर हाथ से तत्काल टिकट निकलने का मौका भी होता है। तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले ही लॉगिन करें और माय प्रोफाइल ऑप्शन में जाएं। माय प्रोफाइल में जाने के बाद मास्टर लिस्ट बना लें, साथ ही यहां ट्रेवल लिस्ट भी तैयार कर लें। इसका फ़ायदा तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होगा, उस समय आपको दोबारा यात्रियों की डिटेल्स नहीं भरनी होती। अब बात आती है समय की। ऐसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है और स्लीपर क्लास की बुकिंग 11 बजे से शुरू होती है, इसलिए आपको बुकिंग शुरू होने से पहले करीब 2 मिनट पहले ही ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सभी डिटेल्स का भरना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेज खुलने के बाद उसे रिफ्रेश भी करते रहें। जैसे ही बुकिंग शुरू हो, तुरंत ट्रेवल लिस्ट में जाकर जर्नी सेलेक्ट करके मास्टर लिस्ट में से पैसेंजर नाम सेलेक्ट करके एग्जाइटिंग ऑप्शन में जाके आप उसे आगे बढ़ा दें। इसमें आपको कैप्चा भी भरना होता है। कैप्चा भरने के बाद पेमेंट तक ले जाएं, जहां आपको पेमेंट UPI से करना होगा। यहां से UPI करने से आपको जो पेमेंट है वो फास्ट होता है। जिसमें पेमेंट फास्ट होता है तो आपका अपनी UPI ID आपको पहले से ही कॉपी कर लेना होता है। जो भी पेटीएम या तो गूगल पे फोन पे का UPI ID होता है उसे आपको कॉपी कर लेना होता है। कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भीम UPI से आपको पेमेंट करना होता है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पे उसको आप कॉपी कर लेंगे तो आपको जो तत्काल टिकट बुकिंग करने के दौरान आपने UPI ID पे आपको जो पॉपअप मिलता है आपको अलर्ट भेज दिया जाता है। UPI से अगर पेटीएम से करते हैं तो पेटीएम पे आपको एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना होता है, और अगर आप करते हैं फ़ोनपे से तो फ़ोनपे में आपको चला जाना होता है। वहां से आपको अपना UPI पिन डाल के आप टिकट को बना सकते हैं। तत्काल टिकट आप आसानी से बुक कर सकते हैं। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रख के, मास्टर लिस्ट हो गया, आपको टाइमिंग हो गई है और आपका जो UPI है, UPI ID के, इन तीन तरीकों से आसानी से आप तत्काल टिकट किसी का भी नॉर्मली बुक कर सकते हैं आसानी से। अगर आप बिजी रूट की ट्रेन के बुक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ट्रेन टिकट उन जर्नी में उस ऑप्शन पे बुक करें जहां आपको तत्काल टिकट की सीटें ज़्यादा हों। मतलब जिस भी ट्रेन में आप सर्च करते हैं उसमें ज़्यादा सीट है तो आप उसी पे ट्राई करें, ना कि जिसमें कम सीट है। अगर आप बिजी ट्रेन की बुकिंग करते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप किसी भी ट्रेन का आसानी से तत्काल टिकट या प्रीमियम तत्काल टिकट बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर तत्काल टिकट से रिलेटेड, मैं उसके आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा इससे पहले। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा प्रीमियम तत्काल क्या होता है, प्रीमियम तत्काल बुक करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि आप तत्काल टिकट को बुक आसानी से कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स होती है, कौन कौन से टिप्स को आपको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपको मैंने बताया कि जो प्रीमियम तत्काल क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।